हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों केमिस्ट्री के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो से दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो फोलिक एसिड के कारण होता है दोस्तों। जो फोलिक एसिड है दोस्तों उसकी कमी के कारण होता है दोस्तों अरक्तता नामक बीमारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध उत्तेजना से है दोस्तों? तो दोस्तों जो अधिवक्र ग्रंथि दोस्तों वो मानव शरीर में उत्तेजना से संबंधित ग्रंथि दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डबल ई जी का प्रयोग किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो मस्तिष्क की जो गतिविधियाँ हैं दोस्तों उनको दर्ज करने के लिए किया जाता है दोस्तों डबल ई जी जो विधि है दोस्तों उसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो पैंथेरा टाइग्रिस है दोस्तों राष्ट्रपति प्राणी का नाम दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भ्रूण का पोषण कौन सी संरचना सहायक है दोस्तों? तो दोस्तों जो प्ले सेंटा जो संरचना है दोस्तों वो भ्रूण के पोषण के लिए सहायक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है दोस्तों? तो सबसे जो छोटा जीव है दोस्तों वो है दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा दोस्तों सबसे छोटा जीव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है दोस्तों? तो जीव प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है दोस्तों टेकक के चेचक का जो प्रति टीका होता है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध शर्करा होती है दोस्तों, तो दूध शर्करा में क्या पाया जाता है दोस्तों? लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों दूध शर्करा के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है दोस्तों? तो पक्षियों के जो समूह है उसके लिए किया जाता है दोस्तों डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है दोस्तों? तो शहद में जो पाई जाने वाली मक्खी दोस्तों उसका जो विष है दोस्तों वो अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।